क्या है इस जादुई गुफा का राज? कैसे किसी की एज इतने सालों तक एक ही रह सकती है? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2017 की एक साइंस फिक्शन फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है टाइम ट्रैप। इस फिल्म में टाइम का एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है और एक ऐसी गुफा है जहाँ का एक सेकेंड बाहर के एक साल के बराबर है और कुछ टीनेजर्स वहाँ फंसे हुए है। यह फिल्म काफी मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिल्म की शुरुआत आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हॉपर से होती है जो अपने कुत्ते बॉस के साथ अपने परिवार की तलाश कर रहा है, जो 1970 के दशक में फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में गुफा में उतरने के बाद गायब हो गए थे। फिर वो देखता है कि कुछ दूरी में एक गुफा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँचने पर वो एक काउबॉय को देखता है जिसकी बंदूक और कपड़े हमारी पीढ़ी के नहीं लगते और वो वक्त के साथ वहाँ जमा हुआ प्रतीत होता है। इस खोज से हैरान होपर वापस मुड़ता है और घर वापस आ जाता है। जाहिर तौर पर उसने अपने टीचिंग असिस्टेंट टेलर और जैकी के साथ इस एक्सप्लोरेशन ट्रिप को सेट किया था, लेकिन होपर घर आने के बाद उन्हें बताता है कि अब स्थिति बदल गई है और वो अकेले गुफा में वापस जाने का फैसला करता है। जैसे ही होपर गुफा में प्रवेश करता है, उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक लेयर है जो बाहरी दुनिया और गुफा के बीच के वातावरण को अलग करती है। वो लेयर को तोड़ने का फैसला करता है और पिछली बार पाया गया काउबॉय भी चलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर को गए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक टाइलर और जैकी को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो उसकी तलाश करने का फैसला करते हैं। क्योंकि उनके पास अपनी एसयूवी नहीं है, वे कारा जो टाइलर की क्रश है उसे अपने पिता की एसयूवी लेने के लिए कहते हैं। कारा की बहन वीव्स के पास भी एक स्कूल प्रोजेक्ट है, इसलिए कारा उसे भी लेकर जाने का फैसला करती है। उनके साथ वीव्स का दोस्त फर्बी भी है। हाँ, एक और बच्चा जानलेवा अभियान पर है, क्योंकि क्यों नहीं। इसके बाद बच्चे होपर के माता पिता की वैन को देखते हैं जहाँ से उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर इस समय गुफा में अपने परिवार की तलाश कर रहे हैं, न कि 70 के दशक की किसी हिप्पी को। फिर उन्हें एक पुरानी रस्सी मिलती है जो उन्हें गुफा के दूसरे हिस्से में ले जाती है। वहाँ वे पाते हैं कि रस्सी काट दी गई थी और उन्हें पता चलता है कि ये होपर की रस्सी नहीं है क्योंकि रस्सी बहुत पुरानी है। उन्हें ये भी पता चलता है कि गुफा बहुत गहरी है। बच्चे फर्बी को ध्यान रखने के लिए छोड़कर गुफा में नीचे उतरने का फैसला करते हैं क्योंकि फर्बी को नीचे जाने में बहुत डर लग रहा था। नीचे जाने के दौरान कारा को उसी अदृश्य लेयर का पता चलता है जो होपर को पहले मिली थी, और साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि ये हवा को पूरी तरह से बदल रही है। वे लेयर को तोड़कर जाने का फैसला करते हैं और वहाँ होपर जब उस काउबॉय का पीछा करता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो एक अजीब ब्राइट रोशनी दिखती है जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लगातार गुफा के प्रवेश द्वार पर किसी चीज को चमका रहा है। उसके बाद अचानक उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो गुफा से भाग जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जब होपर ने गुफा में प्रवेश किया तब सूरज अभी भी चमक रहा था, लेकिन केवल 5 मिनट से भी कम समय में बाहरी दुनिया बहुत अलग हो गई है क्योंकि उसकी कार डेड पेड़ों से ढकी हुई है और यहाँ पर रात है। ऐसा लगता है जैसे गुफा में 1-2 मिनट बाहर के दशकों के बराबर है। उसे कारा की एसयूवी और जैकी का बैकपैक भी मिलता है, इसलिए वो गुफा में वापस जाने का फैसला करता है। और वहाँ बच्चे जैसे ही तलाश शुरू करते हैं उन्हें अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और लड़कियाँ गुफा से निकलने का फैसला करती हैं और जैकी आगे बढ़ती है, लेकिन रस्सी अचानक से कट जाती है और वो गिर जाती है जिससे जैकी और उसे बचाने की कोशिश कर रहा टाइलर दोनों घायल हो जाते हैं। इसके बाद टाइलर दूसरी रस्सी खींचता है, तब उसे पता चलता है कि वो भी कटी हुई है। तब ग्रुप यह सोचने लगता है कि यह फर्बी है जो जानबूझकर गड़बड़ करने के लिए रस्सी काट रहा है। वे रेडियो से फर्बी के साथ बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार उन्हें रेडियो से कुछ दबी हुई आवाजें सुनाई देती हैं जो मदद मांगती हैं। उनका दावा है कि ये फर्बी है। कोई विकल्प न होने की वजह से ग्रुप घायल जैकी को अकेला छोड़कर गुफा के अंदर आगे बढ़ने का फैसला करता है। गुफा की दूसरी तरफ उन्हें एक कटी हुई रस्सी और टूटी हुई गर्दन के साथ फर्बी की डेड बॉडी मिलती है। फिर वे फर्बी के कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाते हैं ये देखने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था। होपर के पिता की जर्नल से फर्बी को ये पता चला कि गुफा में जादुई पानी है जो लोगों को ठीक करता है, और होपर की बहन बीमार थी और इसीलिए उन्होंने उस जादुई पानी की तलाश में गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा के बाहर कई दिन बिताने के बाद फर्बी ने फैसला किया कि वो कार की चाबियों के लिए अपने दोस्तों की तलाश में जाने वाला है जिन्होंने उसे मरा हुआ मान लिया है। ये उसके लिए एक पूरा दिन है और बाकी सब केवल गुफा के अंदर कुछ सेकंड्स का ही अनुभव करते हैं। जैसे ही फर्बी प्रवेश करता है उसकी रस्सी कट जाती है जिससे वो गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं है। वो लगभग 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा और टाइलर से बात करने के लिए उठा,
लेकिन अचानक एक केवमैन उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। वीव्स रिकॉर्डिंग का टाइम कोड भी नोटिस करती है, जो कई दिनों तक चलता है, जबकि वे केवल एक घंटे के लिए ही गुफा में थे। टायलर और जैकी दोनों घायल हैं, इसलिए अब केवल कारा और वीव्स ही है जो कोई रास्ता निकालने और मदद लाने के लिए बची है। चूंकि वीव्स छोटी है, कारा आगे की तरफ चढ़ने का फैसला करती है जहां से वे नीचे आए थे और पूरी तरह से अलग ही जगह देखती है। अब पेड़ पौधों का कोई निशान नहीं है और हवा भी अजीब है, जिससे कारा को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। वो अपनी और एक बड़े डस्ट स्टॉर्म को आते हुए देखती है। फिर उसे आकाश में एक विशाल ट्रायंगल शेप का कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, इसलिए वो वापस गुफा में चली जाती है, लेकिन दूसरे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने मदद लेने की कोशिश तक नहीं की। उस पर इसलिए आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि गुफा में केवल कुछ सेकंड ही गुजरे थे, जबकि वो लगभग 30 मिनट के लिए बाहर थी। सभी को पता चलता है कि गुफा के बाहर का समय गुफा के अंदर की तुलना में तेजी से चल रहा है, जिससे गुफा के अंदर की घटना बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है। टायलर यह भी कहता है कि चट्टान के ऊपर जो रस्सियां हैं, वो तेजी से कमजोर हो रही हैं और चट्टान के फ्रिक्शन के कारण टूट रही हैं। और फिर वीव्स फर्बी के फुटेज की रिकॉर्डिंग को फिर से देखती है और उसे यह पता चलता है कि सूर्य की रोशनी काफी तेज बदल रही है। वो यह भी बताती है कि जो ब्राइट है वो समर है और जो अंधेरा है वो विंटर है। केवल एक सेकंड में एक पूरी ऋतु बदल जा रही है, जिसका अर्थ है कि एक पूरा वर्ष केवल एक सेकंड में गुजर रहा है। इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जब से वो लोग गुफा में थे, तब से पृथ्वी पर लगभग 5400 वर्ष बीत चुके हैं। जब कारा एक बार फिर चट्टान पर चढ़ने का प्रयास करती है, तो अचानक एक बहुत ही हाईटेक सीढ़ी गुफा में नीचे आती है और उसके साथ ही एक विशालकाय आदमी स्पेस सूट में आता है। तब अचानक से कहीं से एक केवमैन आ जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो मारा जाता है। ग्रुप गुफा के दूसरे हिस्से में भागने का फैसला करता है। वहां वे काउबॉय और होपर के माता पिता के शव पाते हैं। उनका सामना तीन अन्य केवमैन से भी होता है। टायलर उनसे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन बेरहमी से मार डाला जाता है, जबकि लड़कियां गुफा की दूसरी तरफ भाग जाती हैं। कारा वापस आती है और टायलर के मृत शरीर को पाती है और रोती है। तब उसका सामना एलियन जायंट से होता है। वो टायलर के शरीर को उठाता है और उसे पानी के कुंड में ले जाता है। जादुई रूप से पानी टायलर को वापस लाता है। केवमैन वापस आते हैं और उस एलियन पर हमला करते हैं, उसके हेलमेट को तोड़ देते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर भी वो अभी भी सभी केवमैन को मार देता है। मरने से पहले वो ग्रुप को उनके गायब होने के बारे में कई मीडिया क्लिपस दिखाता है और संकेत देता है कि मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्यों ने दूसरे ग्रह पर जाना शुरू कर दिया है। तब ग्रुप को पता चलता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें अभी वहां से निकलना है या हमेशा के लिए वहीं रहना है। इवेंचुअली टायलर होपर को गुफा दीवार की एक और मोटी लेयर के सामने घायल पाता है। वहां पर होपर की लंबे समय से लापता बहन और विभिन्न युगों के और भी कई जमे हुए लोग हैं। तब होपर बताता है कि पूरी गुफा एक सिस्टम है, जिसे फव्वारे की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था और हर एक लेयर का एक अलग स्पेस है। जितनी गहरी लेयर उसमें उतना समय धीमा। ग्रुप घायल जैकी और मृत फर्बी को ठीक करने के लिए पानी का उपयोग करता है, लेकिन बचे हुए केवमैन उन पर हमला कर देते हैं। चूंकि उनके पास कहीं और जाने का चारा नहीं है, इसलिए वे गुफा के बाहर निकलने के लिए उस हाईटेक सीढ़ी का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि प्रवेश पर पानी भर गया है। कारा लेयर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक अजीब जीवों द्वारा उसे खींच लिया जाता है और वो बाद में एक और विकसित मानव बन जाती है। एक क्षण बाद फुली सूटेड कारा गुफा में वापस आती है। उसके बाद हाईटेक रस्सी से गुफा से फर्बी, होपर और होपर के माता पिता को निकलती है। फिल्म के अंत में फर्बी, होपर, उसके माता पिता और बहन सभी अपनी लाइफ में वापस आते हैं। वे अब एक बड़े अंतरिक्ष यान पर हैं जो नई पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। क्या आप नई पृथ्वी पर जाना पसंद करते या उस गुफा में ही रहते? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।